तीसरे चरण का मतदान अखिलेश यादव के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यहां पर अपने ही गढ़ में अखिलेश यादव को अपनी अहमियत दिखाते हुए जीत दर्ज कराना है, जो किसी चुनौती से भी कम नहीं है। पर अखिलेश यादव ये बात जान चुके हैं, अगर सत्ता में आना है तो पार्टी से गुंडागर्दी और अपराधियों को संरक्षण देने का टैग हटाना होगा, जिस पर बीजेपी अक्सर हमलावर रहती है। उन्होंने सीएम योगी की तर्ज पर कहा कि अपराधी सूबे से बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन इसी के उलट उनके गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट देकर बीजेपी को फिर हमला करने का मौका दे दिया है। सियासत भी हाथी के दांत की तरह होती है, कहा कुछ जाता है, किया कुछ और जाता है और दिखाया कुछ और ही जाता है। अखिलेश यादव जो पहली बार सीएम बने तब से लेकर अब तक उन्होंने अपनी पार्टी की छवि बदलने की भरपूर कोशिश की। माफिया गुंडों और अपराधियों को उन्होंने पार्टी से दूर रखकर संदेश देने की कोशिश की, जिसे वो लगातार नई सपा बता रहे हैं। लेकिन उनके गठबंधन के साथी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर से प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में बीजेपी अखिलेश पर हमलावर है कि बैकडोर से माफियाओं को एंट्री देकर समाजवादी पार्टी का असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया है। माफिया नंबर एक मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट देकर उन्होंने भाजपा के इस आरोपों को सही सिद्ध कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अपराध की रक्षक है और अपराधियों की संरक्षक है। हैरानी की बात है कि अखिलेश यादव प्रचार के दौरान वही बातें रिपीट करते नजर आए जो अक्सर सीएम योगी और बीजेपी के बड़े नेता मंच से करते आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि माफियाओं और गुंडों ने गड़बड़ की तो उन्हें दूर भेज दिया जाएगा और अपराधी यूपी में नहीं रह पाएंगे। अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको दूर भेज दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देगा। जो बाबा मुख्यमंत्री माफिया उनके नाम लेते हैं वो क्यों लेते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि शीशे में वो किसी को देख लेते हैं सुबह सुबह, और जब शीशे में वो सबसे पहले जिसको देखते हैं उसी की चर्चा पूरे दिन करते हैं। पिछली सरकार राज नहीं करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवैध फैक्ट्री लगवाती थी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी अपने कार्यकाल के दौरान माफिया और गुंडाराज खत्म करने का दावा लगातार कर रहे हैं, जिसे अखिलेश ठोंको राज बताते हैं। कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, और वो इसलिए क्योंकि ठोंको राज चल रहा है। ठोंको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। हालांकि दोहरे चरित्र वाले बीजेपी के हमले पर समाजवादी पार्टी बेफर गई, बोली चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाले अपने चरित्र को देखें। इस नाते की जो भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी ब्रिजेश सिंह को लड़ा सकती है, संगीत सोम को लड़ा सकती है, सुरेश राणा को लड़ा सकती है, तो फिर हम अब्बास को क्यों नहीं लड़ा सकते? ये सच है कि अगर वाकई अखिलेश अपनी पार्टी से आपराधिक छवि के लोगों को दूर रखना चाहते हैं तो वो ओम प्रकाश राजभर को अब्बास अंसारी को टिकट देने से रोक सकते थे, लेकिन सियासत में जीत का जुगाड़ तंत्र और गणतंत्र अक्सर लोकतंत्र पर भारी पड़ जाता है। और हैरानी की बात है कि इस बात में समाजवाद है, यानी हर पार्टी को जीत किसी भी कीमत पर चाहिए। दरअसल सुभाषपा के मऊ सदर की सीट से एक बार फिर मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दिया है, जिसके बाद राजनीति में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दोहरा चरित्र सामने हैं।